फूले ना एकदम से बलून जैसे पराठे। अरे भाई ये सादा पराठे नहीं है, आलू के पराठे हैं। अभी आलू के पराठे फूल क्यों रहे? अरे भाई जो मैंने पराठा बेला होगा वो अच्छी तरीके से बेला होगा तभी तो ये फूल रहे। लेकिन मैंने ये जो आलू के पराठे बनाए वो बिल्कुल देसी तरीके से दादी नानी वाले बनाए हैं, वैसे ही क्रिस्पी और पर्तेदार। अब पर्तेदार कैसे होते हैं तो भाई इसे मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा है ना, एकदम से दो परत में बना हुआ आलू का पराठा, और ये दोनों ही परतें बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी हैं। चलिए तो फिर दादी नानी की ही ट्रिक के साथ इस तरीके के आलू के पराठा बना लेते हैं। हाय गाइस, आपके अपने डिजिटल ट्रिक पर एक बार स्वागत है। आज दोस्तों आलू के पराठे बनाएंगे, और जिन्हें आलू के पराठे की एबीसीडी भी नहीं आती है आज उन्हें हम आलू के पराठे बनाने की पीएचडी करा देंगे। चलिए तो फिर आलू के पराठे पीएचडी कर लेते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले उसका मेन इंग्रेडिएंट्स यानी कि आलू को ले लेते हैं, क्योंकि इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ इस तरीके की स्किन वाला आलू, जिस पर इस तरीके की दरारें हैं, और इसे पहाड़ी आलू भी कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर नमी बहुत कम होती है और ये तोड़ने पर तुरंत बिखर जाता है। खैर आलू कोई सा भी हो पर वो तोड़ने से बिखर जाए समझिए आपके आलू के पराठे के लिए परफेक्ट आलू वही है। अब जब आलू की पहचान हो गई है तो आलू को हम धुल लेते हैं, और अब ले लेते हैं एक कुकर और इसमें हम आलू को डाल लेते हैं, और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसको लगभग एक से डेढ़ सीटी आने तक अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। जब तक आलू उबल रहा है तब तक हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे लगभग 250 ग्राम जितना गेहूं का आटा, और अब डालेंगे इसमें हम पानी और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसीलिए इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि डो इसका हमें काफ़ी सॉफ्ट बनाना है। अब आटा हमारा लगभग गूंथने वाला है लेकिन फिर भी हमें इसे काफ़ी सॉफ्ट बनाना है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से गूंथना है, बहुत ही मल मल कर इसे चिकना करना है। यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, आटा आप जितना अच्छी तरीके से गूंथ कर चिकना कर लेंगे उतने ही आप समझिए कि आपके पराठे अच्छी तरीके से बिलेंगे, यानी कि बिना फटे हुए बिलेंगे। तो आपको आटा बहुत ही अच्छी तरीके से मसल मसल के गूंथ लेना है। बस एक बार आप इसका अच्छी तरीके से डो तैयार कर लेंगे, समझिए आपका आलू का मिश्रण कैसा भी बन जाए फिर भी आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। अब ये देखिएगा, मैं जैसे ही आटे के अंदर उंगली या अंगूठा कर रहा हूँ ये बड़ी आसानी से चला जा रहा है, यानी कि आलू के पराठे के लिए हमें इतना ही सॉफ्ट डो चाहिए। अब हमारा डो गूंथकर तैयार हो गया है, तो अब आलू का हाल देख लेते हैं क्या है। लीजिए अब हमारे आलू भी अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। ये देखिएगा अंदर हल्के से क्रैक हो चुके हैं क्योंकि ये पहाड़ी आलू है तो ये इसी तरीके से उबलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आलू ही भाई इतना मुश्किल है मिलना, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि जो आलू है उसको गरम गरम ही छीलना है और गरम गरम ही हमें इसे मैश करना है। अब इन आलुओं को हमने छील लिया है तो अब इसको हम इस तरीके की चम्मच से फोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो आलू है उसको गरम गरम छीलना है और गरम गरम ही हमें इसे फोड़ना है। अब ये देखिएगा आलू कितना बिखरने वाला है, मैं जैसे इसे छू रहा हूँ ये बड़ी आसानी से बिखर रहा है। अब हम पूरे आलू का मिश्रण नहीं बनाएंगे, थोड़े आलू का बनाएंगे, इसलिए हम इस तरीके का एक बाउल ले लेते हैं और उसमें निकाल लेते हैं थोड़ा सा आलू। मैंने लगभग यहाँ पर 3.5 जितना आलू लिया है। अब इसका हम अच्छी तरीके से भरते तैयार करेंगे यानी कि मिश्रण बना लेंगे। अब करेंगे इसे मैश इस चम्मच की सहायता से, क्योंकि आलू बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो आप हाथों से तो मैश बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप इसे चम्मच से मैश कर लें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आपको देखिएगा जब मैं आलू मैश कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बिखरने वाला है यानी कि अलग अलग फैलने वाला है। अब आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है तो इसमें डालेंगे हम ढेर सारा धनिया पाउडर। जी हाँ, यही आलू के पराठे को देसी और दादी नानी वाली महक भी देगा और काफ़ी स्वादिष्ट भी बना देगा। तो मैं यहाँ पर लगभग 2 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। अब डालेंगे 3/4 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, और अब डालेंगे इसमें 3-4 चुटकी जितनी हींग। अब डाल देंगे लगभग 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है। और अब डालेंगे इसमें हम धनिया, इसको भी हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं इस तरीके से। बस अब इसमें हम इतने ही मसाले मिलाएंगे, अगर ज़्यादा मसाले मिलाएंगे तो भाई आलू के पराठे का स्वाद तो गायब हो जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला या मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, पर भाई उससे आलू के पराठे का स्वाद तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रहा हूँ। अभी आलू के पराठे का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है यानी कि नमक, वो नहीं डालेंगे, वो तब डालेंगे जब आलू हमारा ठंडा हो जाएगा। अगर हम इसे गर्म में डाल देंगे तो क्या है, आलू हमारा गीला हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक खास बात बता दूँ, अगर आप आलू के पराठे तुरंत ना बनाएं और थोड़ी देर में बना रहे हों तो आप नमक तभी मिलाएं जब आप आलू के पराठे बनाने जा रहे हों, उसे पहले से मिलाकर ना रखें।
तो ये आपके लिए विशेष ट्रिक है, इसे एक बार ट्राई जरूर करें। अब आलू ठंडा हो चुका है तो इसमें डालेंगे नमक। नमक हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे क्योंकि जो मैंने पराठे के लिए डो लगाया था उसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला, इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक बढ़ा देंगे। अब इसमें हम नमक अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब आलू का मिश्रण बनके तैयार हो गया तो ले लेते हैं पराठे का डो और इससे हम दो लोइयाँ निकाल लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ दो पराठे अभी बनाऊँगा। और अब इसको हम इस तरीके से हाथों की सहायता से राउंड कर लेंगे। अब इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा और अब इसको इस तरीके से हम उंगलियों की सहायता से बड़ी आसानी से फैलाते जाएंगे। आटा काफ़ी गीला है तो ये बड़ी आसानी से फैल जाएगा। अब जब लोई अच्छी तरीके से फैल चुकी है तो इस पर रख देंगे 3 भरकर टेबलस्पून आलू का मिश्रण। आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं या आलू की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और अब इसको इस तरीके से घुमाते हुए अच्छी तरीके से सील कर देंगे और इसके जो ऊपर थोड़ा सा आटा रह गया है उसको भी हटा देंगे ताकि हमारे पराठे में कहीं भी जो है आटा का स्वाद ना आए, सब जगह आलू का स्वाद बराबर आए। अब इसको हम इस तरीके से घुमा लेते हैं और इस तरीके से हल्का सा ऐसे हाथों से दाब देते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा और अब इसको हम बेल लेते हैं। यहाँ पर आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब लोई के अंदर आलू को भरें तो उसके अंदर की एयर जरूर निकाल दें, नहीं तो आपका आलू का पराठा निश्चित रूप से फट जाएगा। अब देखिएगा जो हमारा पराठा है कितनी आसानी से बेला जा रहा है। लग रहा है कि मैं इसे आलू भर के नहीं बेल रहा हूँ, सिर्फ सादा बेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इसका डो तैयार किया था वो काफ़ी सॉफ्ट तैयार किया था और इसको मैंने काफ़ी मसल मसल कर गूंथा था, इसीलिए इसको बेलने में कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है, बड़ी आसानी से बेला जा रहा है। अब हम इसी तरीके से दूसरा आलू का पराठा भी बना लेते हैं, लेकिन इसे मैं काफ़ी पतला बनाऊंगा, जिस तरीके का मैं खाना पसंद करता हूं उसी तरीके का। आप आलू के पराठे को जितना चाहें उतना पतला बेल सकते हैं, बड़ी आसानी से बेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे आलू के पराठे पतले ही अच्छे लगते हैं तो मैं इन्हें पतला ही बनाता हूँ। खैर, अगर आपका हर चीज़ सही तरीके से बनाओ तो आलू के पराठे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लीजिए, दूसरा वाला भी आलू का पराठा बेलकर तैयार हो चुका है। अब देखिएगा ये कितना पतला बेला हुआ है, ये देखिएगा, है ना, लग रहा है ना बिल्कुल रोटी जैसा। अब पराठे तो बेलकर तैयार हो गए हैं तो अब गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इस पर रख देते हैं एक लोहे का तवा। आप चाहें नॉन स्टिक के तवे पर भी बना सकते हैं, मैं फिलहाल लोहे के तवे पर बना रहा हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में। और अब इस पर डाल देते हैं पराठे को। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए और तवा भी हमारा अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, नहीं तो पराठा हमारा तवे पर चिपक सकता है। तो जब तवा अच्छी तरीके से गर्म हो तभी इस पर आप पराठा डालें। अब पराठा को हम पलट लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर घी नहीं लगाऊंगा, जब इसे मैं एक बार और पलट लूँगा तभी इस पर घी लगाऊंगा, जिससे कि पराठे बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाएं। अब इस पर लगा देते हैं हम घी। आप अपने अनुसार घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या ज़्यादा या कम, जैसा भी रखना चाहें वैसा रख सकते हैं, या आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं। अब इसको दूसरी साइड भी पलट लेते हैं। अब इसके ऊपर भी घी लगा देते हैं। अब इसको फिर पलट लेते हैं। देखिएगा कितनी आसानी से पराठा फूल गया है। बस इसी तरीके से आपको सारे आलू के पराठे सेंक लेने। और यकीन मानिए, मैंने जो जो ट्रिक आपको आलू के पराठे बनाने के लिए बताई हैं उन सबको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका आलू का पराठा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा और ना ही कभी फटेगा और ना ही कभी बिना फूले हुए रहेगा। तो आप ज़रूर इस ट्रिक के साथ आलू के पराठे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम दूसरा आलू का पराठा भी सेंक लेते हैं। अब इसको दूसरी साइड भी पलट लेते हैं। अब इसके ऊपर भी घी लगा देते हैं। लीजिए, ये भी आलू का पराठा हमारा सिक चुका है। लेकिन देखिएगा, दोनों ही आलू के पराठे हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फूले हैं। आलू के पराठे बनाना तो बहुत ही आसान होता है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ी सी टिप्स का प्रयोग करना होता है। जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके हर एक आलू का पराठा फूलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से बिलकर तैयार भी हो जाएगा। अब आलू के पराठे तो सिककर तैयार हो गए हैं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये देखिएगा पराठा कितना अच्छा सिका हुआ है और यह 2 परतों में बना हुआ भी है। चलिए मैं उसके लिए इसे खोलकर दिखा देता हूँ। आप घर पर खोलने की बिल्कुल कोशिश ना करें, नहीं तो भाप की वजह से हाथ भी जल सकता है। मैं फिलहाल इसे चम्मच से खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, अब लग रहा है एकदम से क्रिस्पी और 2 परतों वाला स्वादिष्ट पराठा। अब आलू के पराठे तो बन गए हैं और ये मेरे फेवरेट भी हैं। मैं यहाँ पर लगभग 5 से 6 आलू के पराठे बड़ी आसानी से खा जाता हूँ। आप कितने आलू के पराठे खाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल का जो घंटा है यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू।